अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बेबी पिजन हमने ऊपर बिठाया था तो वो डायरेक्ट ही उड़कर, तो दोस्तों दोबारा से बारिश हो गई थी और बारिश के बाद से दोबारा से ही मैं ऊपर आ गया हूँ और कबूतरों को खोल दिया है। दोस्तों मैं चाहता हूँ, दोस्तों आज मेरी छुट्टी है तो मैं बाहर भी कहीं नहीं जा सकता, तो मैं कबूतरों में ही सारा अपना टाइम स्पेंड करूँ। दोस्तों देखते रहिएगा, दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों आपको कबूतरों का शौक कराएंगे और बेबी पिजन को हम ऊपर बिठाएंगे। दोस्तों तो देखिए, दोस्तों बेबी पिजन है, मुसलसल ये पानी ही पिए जा रहा है। पहले भी इसी तरह से बीमार हुआ था, मुसलसल ये पानी पिए जा रहा था। तो दोस्तों मैं बार बार इसको यहाँ पर बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बार बार ही उड़कर नीचे आ जाता है। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आया है और कभी ये इधर बैठ जाता है, कभी ये डायरेक्ट से उड़कर पिंजरे में चला जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से ये हिल जाएगा इंशाल्लाह, इसी तरह से इसकी ट्रेनिंग करते रहेंगे हम। ऊपर बिठाएंगे, नीचे बिठाएंगे। दोस्तों अभी बांधने की जगह नहीं है, इसी वजह से दोस्तों ये उड़कर उड़ जाता है और डायरेक्ट भाग जाता है। दोस्तों छतरी हमारी आ जाएगी तो हम इसको ऊपर बांधा करेंगे, बांध कर फिर रखेंगे दो चार दिन, फिर इंशाल्लाह दोस्तों इसको उड़ाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं पिंजरे के अंदर और आपको कबूतरों के अंडों की भी आज अपडेट देते हैं। दोस्तों किस तरह हैं हमारे अंडे, माशाल्लाह बिल्कुल सही हैं। एक जो हमारी मक्को आइस वाली जो मादी है उसके अंडों पे मुझे डाउट है। दोस्तों अल्लाह खैर करेगा। दोस्तों देखते हैं, 14 दिन तो हो गए हैं हमारे अंडों को, 14 दिन हो गए हैं दोस्तों, 5 या 6 दिन और देखते हैं इंशाल्लाह बेबी पिजन आ जाएंगे, फिर देखते हैं कि अंडा ख़राब है या सही है। आइए दोस्तों अंदर चलते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा और लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दोस्तों सारे ही तकरीबन कबूतर अंदर चले गए हैं, मैं इधर आता हूँ तो ये सारे ही भाग जाते हैं अंदर की तरफ। ये दोस्तों पिंजरे के अंदर आ गए। दोस्तों आज सुबह ही मैंने इधर की सफाई की थी तो माशाल्लाह देखिए काफ़ी बेहतर हो गया। दोस्तों फिर से ये बहुत जल्दी से गंदा कर देते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों अंदर जो ये नया जो हमारा जोड़ा आया था, गिफ्ट मिला है, कामरान भाई ने दिया था, वो अंदर ही है। देखिए दोस्तों अंदर ही बैठा हुआ है प्लेट के अंदर। दोस्तों ये जो मादी है ये सारा दिन इधर ही बैठी रहती है, तो ये दोस्तों इसका मैं चाह रहा हूँ इसके साथ जोड़ा लग जाए, लेकिन देखिए दोस्तों ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, इनका जोड़ा नहीं लग रहा। दोस्तों देखिए अंडों की आपको अपडेट दें तो कैसे दें, क्योंकि दोस्तों ये मादी अपने अंडों पे बैठी हुई है और इधर मक्को आइस वाली मादी भी अपने अंडों पे बैठी हुई है। इधर जो है ये भी मादी हमारी बैठी हुई है। दोस्तों इनको तंग नहीं करना चाहते हम चाहते हैं कि ये सुकून से बैठे रहें। तो इस मादी का दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताना है दोस्तों ये मादी की असल वजह क्या है कि ये जोड़ा नहीं लगा रही। तो आइए दोस्तों इस मादी को हम लोग चेक करते हैं, इसकी झोली किस तरह की है। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल ही झोलो झोली दोस्तों इसने भरी हुई है। इंशाल्लाह दोस्तों ये बहुत ही करीब में इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये अंडे दे देगी। दोस्तों आइए दोस्तों हम तलहा गौरी वाली मादी को चेक करते हैं पकड़कर।
कि इसकी क्या सूरत हाल है दोस्तों, इसकी भी झोली मुझे लग रही है। नहीं दोस्तों, नहीं नहीं दोस्तों, इसने जी दोस्तों इसकी भी झोली माशाल्लाह से फुल भरी हुई है। मुझे लग तो रहा है दोस्तों, मुझे इंशाल्लाह 90% दोस्तों यकीन है ये बहुत जल्दी अंडे दे देगी इंशाल्लाह दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, देर तक हम पकड़ते नहीं हैं इसको। बड़ी मुश्किल से ही इसने हमें थोड़ी उम्मीद दिलाई है, अल्लाह करे इंशाल्लाह ये जल्द ही अंडे दे दे दोस्तों। नर नीचे बैठता है दोस्तों नीचे वाली पेटी में, और मादी ऊपर वाली पेटी में बैठ रही है। तो दोस्तों कुंडी जो थी हमारी, कुंडी में ये जो मादी है ये फजूल में बैठ रही है। मेरे ख्याल में हम ये कुंडी यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों, ताकि ये मादी है इसके अंदर बैठ सके दोस्तों, अंडे दे दे दोस्तों। कुंडी में ये होता है कि अंडे दोस्तों सेफ रहते हैं। इस वाली मादी के नीचे मैंने कुंडी इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि दोस्तों ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से पैक है पूरी, तो अंडा बाहर निकलने की जगह नहीं है, और नीचे इसके जो था शीट बिछी हुई है दोस्तों, इसी वजह से मैंने इसके नीचे रखे नहीं थे क्योंकि। और दूसरी जो पेटियाँ हैं देखिए दोस्तों, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसी वजह से हम लोगों ने इसमें ये कटोरियाँ रख दी हैं ताकि इसमें अंडे सेफ रहें। तो दोस्तों आप लोगों ने भी बताना है ये कुंडी सही रहती है या बगैर कुंडी के ये कंफर्टेबल रहेंगे, तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताना है दोस्तों कि ये इसी तरह सही रहेंगे या नहीं। देखिए दोस्तों गोल्डन नर और सियालकोटी नर को देखें, तो देखिए आइए जल्दी से देखते हैं दोस्तों। ये अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कोई ना मर नर है और ना ही तो मादी है। अंडे देखें दोस्तों, ये सियालकोटी नर जो है हमारे उसके अंडे हैं दोस्तों। आप लोगों ने बताना है दोस्तों ये अंडे कैसे हैं, किस तरह हैं, सही हैं या नहीं। ये तो इंशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों मुझे बिल्कुल ही सही लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरे के देखते हैं हम, इसके जो हैं मक्को आइस वाली के अंडे देखें दोस्तों। आई थिंक मुझे तो ये दोस्तों बिल्कुल ही ठीक लग रहे हैं, आप लोगों ने भी बताना है ये सही हैं या नहीं। तो दोस्तों ये मादी है, ये तो बिल्कुल नहीं उठेगी, इसके हम अंडे नहीं दिखाएंगे फिर कभी दोस्तों। अगर ये अंडों पर नहीं बैठी होगी तो फिर हम अंडे आपको दिखाएंगे दोस्तों। देखिए ये अभी हम इसकी सिर्फ वीडियो ही बना रहे हैं और ये गुस्सा करने लग गई है। देखिए दोस्तों मार रही है, दूर से ही अभी देखकर मुझे मारना शुरू कर दिया इसने। तो दोस्तों आप लोगों ने ज़रूर बताना है दोस्तों इसके अंडे सही हैं या नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये दो हमारे नर हैं, इनकी हमें मादी चाहिए। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको वो नंबर सेंड किया था, नंबर बोला था व्हाट्सअप नंबर, आप लोगों ने उसमें वॉइस मैसेज करके दोस्तों मुझे बताना है किसी के पास अच्छी मादी है तो दोस्तों जो कबूतरबाज अच्छा कबूतरबाज होगा दोस्तों वो ही हमें अच्छी मादी दे सकेगा। तो दोस्तों कोई भी अच्छा कबूतरबाज हो जिसको अच्छी पहचान हो दोस्तों, मुझे तो इतनी पहचान नहीं है, वो अच्छी सी मादी मुझे देखकर ज़रूर ज़रूर देगा दोस्तों। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों के पास किसी के पास भी कोई अच्छी मादी हो तो। देखिए दोस्तों तलहा गौरी वाले नर को देखें, जोड़े को देखें पूरे। दोस्तों मैंने अभी टॉर्च ऑन किया है, टॉर्च ऑन करके बहुत से दोस्तों ने बोला है लाइट ऑन कर फिर अंडों को चेक करें, तो दोस्तों आप भी चेक करें, मैं भी चेक करता हूं, और आप लोगों ने मुझे बताना है अंडे सही हैं या नहीं। देखिए दोस्तों बिल्कुल करीब मैंने इनके लाइट कर दिए, ये देखिए। अब दोस्तों आप लोगों ने मुझे बताना है ये अंडे हमारे सही हैं या नहीं। देखिए दोस्तों
ठीक है, तीन पेटियां हैं, तीनों में ही कबूतर, नीचे कबूतर है, ऊपर कबूतरी है, फिर एक कबूतरी है, इधर जो अंडों पे बैठी हुई है ये भी कबूतरी है, ये हमारा सियाल कोटी नर और हमारा गोल्डन नर, ये तल्हा गौरी वाला जोड़ा। तो दोस्तों फ्लैश लाइट होकर और भी अच्छी वीडियोस वीडियो बन रही है, देखें ये वाली मादी को देखें। नर को देखें दोस्तों, इस पट्ठे को देखें दोस्तों, हमारे सेफ बैठा है, ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों, बहुत अच्छी जगह इसने ढूंढी है, अच्छा है ये सेफ रहे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों मेरी भतीजी आ गई है यहाँ बाहर, मैं अंदर पिंजरे में वीडियो बना रहा था, बाहर आ गई, अंदर आने की कोशिश कर रही है, तो इसी इससे पहले के दोस्तों ये अंदर आए मैं बाहर निकल जाता हूँ। आइए दोस्तों चले बाहर निकलते हैं और इसको इसके नीचे छोड़ कर आते हैं। दोस्तों ये मैं इसको भगा रहा हूँ लेकिन ये जा नहीं रही है, जाओ जुलाल जाओ, चलो नीचे, वो चली गई दोस्तों। माशाल्लाह बहुत शरारती और बहुत समझदार बच्ची है दोस्तों। मेरे बच्चे तो जो हैं दोस्तों वो गए हुए हैं तल्हा गौरी के घर पे, मैं गया था उधर, वो उसी टाइम के उधर हैं, तो दोस्तों दो चार दिन एक हफ्ते में वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, इसके साथ ही हम लोग कबूतरों को बंद करते हैं और दोस्तों कबूतर भी आराम करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा दोस्तों, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़ ओ नासिर, दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ ओ।